और अब बात करते हैं पंजाब के भड़काऊ भाईजान की। पंजाब में कांग्रेस उम्मीदवार रजिया सुल्तान के पति यानी मोहम्मद मुस्तफा के भड़काऊ वीडियो पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने इस वीडियो पर कड़ा एतराज जताया है, तो वहीं इस मामले में सिद्धू को सफाई देनी पड़ी। मैं कौमी सिपाही हूँ, मैं आरएसएस का एजेंट नहीं हूँ जो डर के घर में घुस जाऊंगा। ये कोई गली का गुंडा नहीं बल्कि पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा की भाषा है, जो सरेआम आप उम्मीदवार को घर में घुसकर मारने की धमकी दे रहे हैं। प्रशासन को भी धमका रहे हैं कि अगर वो नहीं माना तो ऐसे हालात पैदा कर दूंगा कि प्रशासन संभाल नहीं पाएगा। मैं आरएसएस का एजेंट नहीं हूं जो डर के घर में घुस जाऊंगा। अगर दोबारा इन्होंने ऐसी हरकत की, खुदा की कसम इनके घर में घुस के मारूंगा। आज मैं सिर्फ वार्निंग दे रहा हूं, मैं वोटों के लिए नहीं लड़ रहा, मैं कौम के लिए लड़ रहा हूं। इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बताएं कि मोहम्मद मुस्तफा को मोहरा बनाकर पंजाब में वो कौन से हालात पैदा करना चाहते हैं? क्या पंजाब को कश्मीर बनाना चाहते हैं? क्या पंजाब में फिर से 80 के दशक जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं? क्या पंजाब में सिर्फ एक विशेष कौम के लिए जलसे का अधिकार है? इस मामले पर आम आदमी पार्टी ने भी मुस्तफा की गिरफ्तारी की मांग की है। इसको फौरन मतलब है, इस पे लगाम लगाई जाए, इसके खिलाफ केस रजिस्टर किया जाए। मैं डीजीपी पंजाब से और इलेक्शन कमीशन से अपील करता हूँ कि इसके खिलाफ फौरी तौर पर एफआईआर दर्ज करके इसको मतलब भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मुस्तफा के भड़काऊ बयान पर आम आदमी पार्टी की शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। मोहम्मद मुस्तफा मलेरकोटला से कांग्रेस विधायक और कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना के पति हैं, तो वो सिद्धू के बेहद करीबी भी माने जाते हैं। ऐसे में सिद्धू को भी इस मामले में सफाई देनी पड़ी। पंजाब का बच्चा बच्चा, ना हिंदू ना मुसलमान, बिल्कुल गुरां देना गुरुआ की विचारधारा एक है, मानस की जात सब है, एक है पहचान बो। बहुत खूब। एकस पिता एकस के हम बारक, ऐसे करके आदि अनंत दरबार साहब जिन्हें साफा बनिया भी है, जिन्हें साफा बनिया नहीं वो भी हिस्सा है। पंजाब कांग्रेस में पहले ही चन्नी और सिद्धू के बीच अंदरूनी घमासान मचा हुआ है, तो वही मुस्तफा की भड़काऊ बयानबाजी को भुनाने में विपक्ष जुट गया है। ऐसे में देखना ये होगा कि नफा और नुकसान किसे कितना होता है। टी न्यूज़ नेशन।